किसान लीडर रुलदू सिंह मौजूद आ जिहड़े कि पंजाब दे विच बहुत सारे किसानों की अगवाई करते मीटिंग हुई अज्ज तो रुलदू सिंह जी संघर्ष का नवा रूप कह सकते हैं जिहड़ा भुख हड़ताल का काम 24 घंटे वाला ऐलान किया जी मेरी बोलण ते चार पंज मुद्दे अज्ज लियांदे ने मेरी बोलण ते कल्ली ड्यूटी लगी थी आड़तियां ते क्यों मैं रात मैनूं 2 बजे जाग आई जो मैं खबरें सुनिया तो मैं पता लगे भी 20 आड़तियां दे छापे मारे मैं उसकी वीडियो आदि लाइव होकर पाती थी तो तड़के मैं मेरी पंजाब किसान यूनियन 5 मैंबरी कमेटी भी तोड़ती भी आड़तियां नाल तालमेल करो तो वो आड़तियां ने भी अज्ज पंजाब पद्धर की मीटिंग करी मेरे नाल फोन करिया भी असीं करिए की मैं कहा भी तुम परिवारों को लैके सड़कों से आ जाओ असीं बैठे दिल्ली जिन्हें भी इनकम टैक्स के दफ्तर ने जे तो अफसर अंदर मिल जाए तो बड़ी चंगी गल है उन्होंने घेर लो असीं आड़तियां बिल्कुल जा नहीं जान देवे जे उन्होंने ना लौट आया फिर असं इतों का मोर्चा जित के जो कुछ भी उन्होंने कागज पत्र चक्या वो वापस करावे तो पहला हटा 100 धरना चलता है जे 20 कोने दफ्तर होंगे उन्होंने वर्ग के बह जाएंगे असं नाल आड़ती बैठे साढ़े उन्होंने हक बनता उन्होंने जो लौट है उन्होंने बैठना बहुत अगवाई असं करा तो जिमीदार तो आड़ती है तो रिश्ता बड़ा नेड़ला हों बहुत नेड़ला हों इन सेंटर सरकार का ही सारा एक काम हैगा जो पंजाब सरकार का भी थोड़ा बहुत नाल सपोर्ट हैगी इस काम के यह हैगा सेंटर सरकार का पर पंजाब सरकार ने इन्हें हटाना चाहिए सीगा वो कला आड़तियां नहीं डराते ये इन्हें तो राजे के मुंडे पेशी पैन लाती भी उन्होंने एक तरीक से सद लिया ये डरा चाहते हैं इस गल से उन्हें तो सानू भी डराया भी साढ़े को फंड आता है वो होर डरा लेंगे साढ़े को तो फंड आए सा कुछ नहीं कर सकता आऊगा फंड साढ़े को एक जो टोल प्लाजे वाली गल पंजाब तो कई महीने हो गए रोके हुए जी वो टोल प्लाजे तो उत्थे रौनक लाइया मूंगफलियां वंडी जाता कोई लंगर वरताई जाता तो हरियाणे वाले जिहड़े तुसीं कहे आ 3 दिन 25-26-27 की लगता भी हरियाणे वाले कामयाब रहोगे क्योंकि सरकार उत्थे दूजी है नहीं सरकार किसी की भी होवे उत्थे 10 बंदे बैठने की लोड़ है मतलब जे सरकार करूगी उत्थे सीसे जी होंदे ने उह जे कि रंग हाँ चढ़ाते सीसे जी मुड़ के इतने होनी नहीं भी कितने गए ने समझ गए गल वो बड़े डरते होंगे ने कुछ नहीं होंगे साडा असी जिन्हें पंजाब के लीडर साडा कदे सानू टूबलेज नहीं लग्या कदे भी झंडा लग्या हुंदा साडा गड्डी दे उत्ते ये है गल भी बैठणगे लोग जो लोड़ है उन्होंने बैठना पऊगा जे उन्हां दा वड्डा भाई उदे दा बैठा है हुण छोटे भाई मैं कहा लगातार बैठण जे असी 3 दिन का भी कहा हरियाणा किसान सोच लैन भी असी नोट दे नाल परची कट्टण दईए ठीक है भाई थोड़े को खुंडा हों मैं याद आप मीटिंग के बाहर मिले से मैं क्या भी किमें तुम क्या भी खुंडे के आसरे चढ़ती कला चा तो हूँ चढ़ती कला चो क्योंकि ना इतने एक निराशा वाली गल भी है तो चढ़ती कला वाली भी है भी असं लाशा जा रहे हैं पिंडा आए हक लैन से लाशा रोज़ 2 जांदियां कदे 4 जांदियां 3 जांदियां किन्नियां क होर ले जाणियां असं निराश तो असं कि बारशा उदे नहीं साडे कौम निराश हुई जिदे साडे गुरुआ का आरे ना सीस चीरिया गया बंद बंद कट्टिया गया तत्ती देख दे बालत के उन्होंने बहाया गया गुरु कहना सीस कट्टिया गया निराश तो असं उदे नहीं हुए ठीक है एडा हुण 5-4 लाख बंदा इकट्ठा होया है एक बंदे ने शहीद होने ही होना रोज़ 5 लाख बंदे बंदा किसी अटैक हो गया किसी का उन्होंने एक्सीडेंट हो गया है तो दुखदाई घटना बहुत बड़ा दुख है सानू पर शहीदियां तो फिर देनिया पैंदा अज असीं उन्होंने दिन मनाया सारे शहीदा 40 हो गए जिहड़ी सानू कहिंदे ने भी उन्होंने मदद लई असीं ये तो तुम अज गल कहने ये असी आने सारी फैसला कर लिया सीगा भी रुपया इतने वाहवा कट्ठा होना है जोड़ा इतने खर्च हो गया बाकी जोड़े शहीद परिवार ने उन्होंने वंड देना कोई असं जथेबंदियों को पैसा उसके नहीं रखना जे ना भी होया तो असं कट्ठा करके भी उन्होंने सहायता करा इकट्ठा करके सहायता करो एक होर है जी मोदी साहब का रवैया जरा डबल ही चल रहा है एक पास कहते 24 घंटे गल गलबात करने वास्ते आ रहा एक पास कहते भी हजे भी कानून चंगे आ तो गुरु घर भी अच्छ गए शहीद दिहाड़ा सगा गुरु महाराज का तो उत्थे नतमस्तक हो गए उन्होंने किमें लेने वो की दिल जितने वास्ते आ जो दिल च उन्होंने लग्या भी मैं गुरु घर जाके आवा एक जट मैस बेचण वग गया उन्होंने कहें भी किन्ने लेने कहता 20,000 लूंगा दलाल नहीं करे इतने रुपया तो लिया तो जट का हथ पड़ लिया कहता लै भी चक 15,000 बंदा वाधा वो 19,500 से बग गया वो दूजा कहता फड़ लै गया साई कहता फड़ा कितों रुपया तो थले फसेगा वह हूँ सानू कोई गिदड़ चिट्ठी नहीं कढ़ता वो मन च हो गल हूँ जो भेज दो जट दे रुपये वाली गल हैगी थले पासे है ससिया देना नहीं चिट्ठी सदनी नहीं पता नहीं वो मन च की गल है तो संघर्ष लंबा जा रहा तो लोग आ तो बहुत रहे तो सरकार की प्लैनिंग नाले हैगी क्योंकि गांह जिम्मे हम शहीद दिन आ गए साढ़े फतेहगढ़ साहब के कुछ संस्थावान ने कुछ जथेबंदियों ने उधर भी जाना गाँ मेला आ गया नवा साल लोहड़ी आ गई तो जे लंबा चलूगा तो खड़ोत या थोड़ा डाउनफॉल तो नहीं आजगा मैनू जी सारिया जथेबंद वालों जी मेरी आपकी समझ है जिनी कि मैं समझ है ना साढ़े तो फौज हमला करे ना साढ़े तो पुलिस हमला दिल्ली की करे ना हरियाणे की करे एक इन्होंने गुंडे पाले ने उन्होंने शिवसैनी कहें कहें शायद उन्होंने यह पुलिस वाली वर्दियां पवा सकते हैं
पर जो उन्होंने वर्दियां पवाती उन्होंने रख से मोड़ देंगे। इन्ने क बुढ़े से तकड़े है जिम्मे शहीन बाग च होया बहुत सारिया वीडियो वायरल हुई उन्होंने वर्दी पुलिसिया पाई हुई थी भूरी जी जी तो कोई नाम नहीं कोई कुछ नहीं उस तरह का थोड़ी शंका इतने हो सकती मैंने पक्की शंका किसी हो ना हो कम वो कर सकते किदे करे किदे जिदे साडे पंजाब के लोग किसी धर्म स्थान च उलझे हुए उद प्रोग्राम च उलझे हुए वह यही जी शरारत कर सकते हैं 100-200 बंदा लिया के फिर वो देखो जो करन दे फिर सोचांगे की करना जिहड़े इत्थे लोग मौजूद ने नौजवान कई बार थोड़ा बहुत कोई इक्का दुक्का ढिले पै जाते रात को कहते चलो हम ठंड आ जी निघे होकर पै जाओ तो नाल उन्होंने एक्टिव भी हालांकि ड्यूटियां दित्तियां जा रही नाल एक्टिव रहना चाहिए कोई इस तरह की कोई शरारत करे तो उन्होंने कायम होने लोग ये लम्मे दोलों ने साडा बहुत वड्डा फायदा करता खास करके पंजाब का जिहड़े साडे नौजवान मतलब नशा से लगे हुए थे वह सारे अगर संघर्ष हो गए वो जो इतने 6 महीने लम्मा चलूगा वो ट्रेनिंग ले जाएंगे उन्होंने लीडर बना देंगे लीडर बनने इस संघर्ष के लीडर पैदा होंगे तो बहुत सारे किसान लीडर इस संघर्ष की अगुवाई कर रहे हैं पर लीडर ने जोड़ा इस संघर्ष ने होर बहुत सारे लीडर पैदा करके देने पंजाब में तो बहुत बारी यह गल कही जाती है भी फैसले जोड़े आ सियासी लोग करते हैं ताकत जी सियासी लोगों के हाथ आ सड़कों के उत्ते रुलने वाले आम लोग ने संघर्ष करने वाले आम लोग ने पर हूँ भी जो फैसला करते तो सियासी लोग करते हैं आम लोगों को ताकत होगी ज आम लोग सियासत के जाएंगे ये तो आने वाला समा दसूगा पर जिस तरीके संघर्ष लड़िया जा रहा है यह स्पष्ट तौर पर पत्थर से लकीर है कि अजिहा संघर्ष सदियां पहला कितने लड़ा गया होगा और शांतमई तरीके निम्रता दे नाल सहनशीलता दे नाल हलीमी दे नाल बहुत सोहना संघर्ष लड़िया जा रहा है कुछ नवी गल आज मीटिंग दे विच सामने आईया ने जिहड़ा भुख हड़ताल लगातार 24-24 घंटिया की कुछ कुछ बंदे बैठे करनगे और मोदी साहब मन की बात करन जा रहे आने वाले तरीकों के मन की बात आते सुननी नहीं आप भांडे खड़का तो वो असी होर लीडर नालों उत्ते स्पष्ट करांगे।